everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about Amazon और Amazon से मैंने बहुत ही प्रिटी से outfits पिक किए हैं. Those are going to be ethnic, कुछ dresses भी है. So definitely आपको पसंद आएंगे. और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, please subscribe to my channel, hit the notification bell just next to it, ताकि आपको इस तरह के videos देखने मिले. आप कोई भी मेरा update miss ना करो, okay? It is free, so please do it. और इस video को like करना मत भूलना, ये भी बहुत ही important feature है. So definitely do it. और जैसे कि Amazon पर चल रही है सेल, नाउ दिस इज़ ग्रेट समर सेल. अब इस सेल में जो है आपको मिनिमम 50-80% का ऑफ मिल रहा है ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स. एंड इवन देर आर लॉट्स ऑफ डील्स गोइंग ऑन 15 लाख प्लस स्टाइल्स. मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यू नो डिस्काउंट और डील है चल रहा अभी अमेजोन पर. तो ये जो पीरियड है ये सिर्फ 7 मई तक ही है ये सेल. सो बिल्कुल भी मिस मत करना. आज मैंने बहुत ही अर्जेंट जो है वीडियो शूट करके अपलोड किया है, क्योंकि अगर आपको बाय करना है तो आप मिस ना करें ये सेल पीरियड और आप जल्दी से जल्दी बाय कर सके अपने लिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बिना ज़्यादा बकबक किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो हॉल वीडियो है ये एक्चुअली दोनों के लिए है. जैसे कि अगर आप एथनिक पहनना पसंद करते हो तो उनके लिए भी है, और अगर आप ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो तो उनके लिए भी है. जैसे कि इनकी स्टाइल ऐसे है ना इन सारे आउटफिट्स की कि आप इन्हें एज एन एथनिक वेयर भी पहन सकते हो विद बॉटम, और आप इन्हें सिर्फ ड्रेसेस की तरह भी पहन सकते हो. सो 2 in 1. मतलब मुझे इनके स्टाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए. सो मेक श्योर अगर आपको ये आउटफिट्स बाय करने हैं, सबके जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं. माई हॉल स्टोर लिंक है, जो सिंगल लिंक है जस्ट ओपन करना उसे, और यू विल बी फाइंडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स. जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर्स, इट विल टेक टू द अमेजोन पेज, वहाँ से आप शॉप कर सकते हो. इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट. ओके, सो डू इट राइट अवे. और ये जो फर्स्ट आउटफिट है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. और ब्रांड नेम है इसका अनटंग, ठीक है. और सीरियसली जब मैंने इस ब्रांड को एक्सप्लोर किया तो मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस ब्रांड की, इनके स्टाइल्स. मतलब यूनिक लगे मुझे इनके स्टाइल. अगर ड्रेसेस है तो वो भी काफ़ी यूनिक है, इनके पैटर्न्स प्रिंट्स थोड़े डिफरेंट है. सो इसलिए मैंने सोचा लेट मी एक्सप्लोर दिस ब्रांड. और ये जो है ना ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस है. अब इस पर तो ड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस कैन बी वोन एज अ ड्रेस, और आप इसे कुर्ती की तरह भी पेयरअप कर सकते हो. सो लाइक 2 in 1. इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हो. सो यस, लुक एट दिस, आई लव द कलर. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसका फैब्रिक इट इज़ प्योर कॉटन. सो गुड फॉर समर्स. सो जो समर्स अभी जो पीरियड चल रहा है उसके लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है. जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल आपको आउटफिट चाहिए होता है, डोंट वांट टू वेयर जीन्स और बाकी सारी फिटेड चीज़ें. सो आई थॉट कि लेट मी शो यू सम आउटफिट्स विच विल बी लाइक कवर्ड. और आप यू नो बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी स्लीवलेस आउटफिट्स के लिए. मुझे इवन कल के वीडियो में भी कमेंट आया था, तो उनके लिए स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आज के वीडियो में भी आपको कुछ सिलेक्शंस ऐसे मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी, कमिंग वीडियोस में भी. सो ये जो है ना ये आप बाय कर सकते हो फिर तो इसलिए. और आई लव द कलर, आई लव द कलर कॉम्बिनेशन. इट इज़ डिसेंट, इट इज़ लाइट पिंक शेड विद डिफरेंट शेड्स, वो भी बहुत ही सटल से शेड्स है. इट इज़ स्लीवलेस. ओके, साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. साइज़ चार्ट मैंने देख लिया था पहले, तो उसके हिसाब से साइज़ स्मॉल इज़ परफेक्ट फॉर मी. और इस तरह से है फ्लेड ये ड्रेस है, और बैक साइड से इस तरह से इसका लुक है. इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. लेंथ भी काफ़ी अच्छी है ड्रेस की. माय हाइट इज़ 5'1". मैंने हील भी पहनी है. सो आप मेरा लुक यहाँ देख सकते हो, और जस्ट इमेजिन कि आप पर ये किस तरह से दिखेगा. बट डोंट मिस दिस वन, इट इज़ ब्यूटिफुल. और कोई बात नहीं, आपको इसे कुर्ती की तरह पहनना है तो आप इसके नीचे जो है इस तरह का पेज बॉटम पहन सकते हो, या फिर थोड़ा सा यू नो अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो आप वाइट भी पहन सकते हो, लेकिन बेज ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो मेक श्योर यू गेट दिस. ओके, इसका नेक एरिया कैसा है वो देख लेते, मैंने दिखाया ही नहीं आपको. ओके, सो इसका नेक जो है सिंपल है, बस डिफरेंट फैब्रिक्स जो है यहाँ पे इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया गया है, और मुझे ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा. फ्रिल्ड लुक है, फ्लेयर काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज़ अ नाइस ऑप्शन. ओके,
सो नेक्स्ट जो है, सो ये सेकेंड ऑप्शन जो है, दिस इज़ कुर्ता सेट एक्चुअली. ओके, सो दोनों भी ऑप्शंस मैं इस वीडियो में ओपन रख रही हूँ आपके लिए, आपको जो भी बाय करना आप कर सकते हो. दिस इज़ द सेकेंड वन. आई लव द कलर, इट इज़ मस्टर्ड येलो. और इसके साथ ना इस तरह से बॉटम भी है. ओके, सो दिस इज़ द कुर्ता. साइज़ मैंने इसमें भी स्मॉल पिक किया हुआ है, सो जस्ट गेट योर ओन साइज़. ये ऑलरेडी जो है ये आउटफिट्स थोड़े से फ्लैड ही है, तो इसलिए ऐसा मतलब साइज़ इशू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. सो जो भी आपका एक्चुअल साइज़ है वो आप बाय कर सकते हो. और इसका जो फैब्रिक है ना, दिस इज़ लाइक रेयन मटेरियल, और यहाँ पर इस तरह से प्लीटेड लुक दिया हुआ है. बटन्स प्रोवाइड किए हैं और सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं, सो ऑल्सो गुड फॉर फीडिंग मदर्स. और इस तरह से स्लीव्स है, फुल स्लीव्स. ओके, और यहाँ पर इस तरह से प्रिंट किया गया है, प्रिंट इज़ सीरियसली नाइस. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है नहीं, और थोड़ा से मतलब एक पफी लुक आ रहा है स्लीव्स में, और साइड कट प्रोवाइडेड है. ठीक है, और बैक साइड से ये टोटली प्लेन है इस तरह से. वाओ, मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इवन जो फ्रंट पोर्शन है ये भी प्लेन है, लेकिन स्लीव्स में जो है प्रिंट किया गया है और बॉटम में प्रिंट है. सो ये कुछ इस तरह से है. इट इज़ हैविंग इलास्टिक, इट इज़ हैविंग टाई अप, इट इज़ हैविंग पॉकेट एट द राइट साइड एंड इवन एट द लेफ्ट साइड. ओके, और ये पैंट स्टाइल दिया है. सो यहाँ पर भी प्रिंट है, पूरे बॉटम पर इस तरह से प्रिंट है, एंड मटेरियल इज़ रेयन. आई लव द मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट है, और एक प्रीमियम क्वालिटी जो होती है ना, उस तरह का लुक क्रिएट है. मतलब इस तरह का फैब्रिक दिया गया है कि प्रीमियम क्वालिटी आ रही है इससे. सो यस, सो द थर्ड वन इज़ डेफिनेटली, यू शुड नॉट मिस दिस वन. सो दिस इज़ द थर्ड वन. ये एक्चुअली ड्रेस है, इस पर भी ड्रेस लिखा हुआ है, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट ब्लॉक प्रिंटेड फ्रंट ओपन ड्रेस. ठीक है, सो लुक एट दिस. वाओ, साइज मैंने फिर से स्मॉल ही पिक किया है इसमें भी, एंड लुक एट दिस. बहुत ही स्टाइलिश लगा मुझे इसका लुक. आप ये मॉडल इमेज देख सकते हो. आई डोंट नो हाउ इट विल लुक ऑन मी, बट देखते ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट इज़ प्योर कॉटन एंड इट इज़ हैविंग अ नाइस स्ट्राइप्ड लुक. ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट प्रिंट है, यहाँ पर इस तरह से फ्लोरल प्रिंट भी दिया हुआ है पूरे ड्रेस पर. ओके, वाओ. सो ये नीज़ के नीचे तक आपको आ जाएगा, मतलब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग तो वैसे ही आ रहा है. और बटन्स दिए हुए हैं ना, ऑल द बटन्स आर ओपनेबल. ओके, लेट मी चेक इट अगेन. ओके, सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं, सो दिस इज़ द गुड थिंग, क्योंकि बहुत लोगों को ना इस तरह से पहनने में प्रॉब्लम होती है. सो दे जस्ट कैन ओपन ऑल द बटन एंड क्लोज इट, सो इट डिपेंड्स. मतलब लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी. इन केस आपको इसे बेल्ट के साथ पेयर अप करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो. इट इज़ नॉट सी थ्रू, इट इज़ प्योर कॉटन, गुड फॉर समर्स. मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, ज़्यादा फ्लोरल वर्क नहीं है, बहुत छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं. डिसेंट लग रहा है, एंड आई थिंक पॉकेट भी प्रोवाइडेड है. नहीं, पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है, बट आई लव द ड्रेस, इट इज़ गुड. प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है. पेयर दिस विद शूज़, इट विल लुक अमेजिंग. ओके, सो गो फॉर इट. मुझे अच्छा लगा सीरियसली. और इसके बाद जो ड्रेस है, सो दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ ब्यूटिफुल प्रिंट. ओके, सो इसका स्टाइल डिफरेंट है. सो दिस इज़ ऑल्सो प्योर कॉटन, और इस तरह से वीनेक दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से बटन्स हैं. नाउ दिस ऑल्सो हैविंग बटन्स विच आर ओपनेबल, सारे बटन्स खुल जाते हैं. और इसका प्रिंट, बेस इसका है येलो, सॉरी क्या हो गया मुझे, बेस इसका है ब्लू, और इस पर इस तरह से रेड प्रिंट किया गया है. लुक एट दिस, वाओ, प्रिंट इज़ अमेजिंग. और आप देख रहे हो इस तरह से पॉकेट
दिया हुआ है दोनों तरफ. यस वाओ. और बैक साइड से भी इस तरह का लुक दिया है. नाइस. सो डेफिनेटली गेट दिस ड्रेस. ओ माय गॉड बहुत सुंदर है. और इसके स्लीव्स शॉर्ट स्लीव्स है. सो यस. तो जो मैंने पहले दिखाया था ड्रेस उसमें 3/4 स्लीव्स थे और इसमें शॉर्ट स्लीव्स है. दोनों के पैटर्न में भी बहुत फ़र्क है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इवन दिस यू कैन पेयर विथ अ बेल्ट जिस तरह से भी आपको करना है. आई सी मैंने किस तरह से पेयर अप किया है. बट पेयर दिस ड्रेसेस विथ शूज़ वाइट शूज़ बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा. आई डोंट नो आई हैव माय वाइट शूज़ और नॉट ओवर हियर बट आई ट्राई टू क्रिएट द सेम लुक. अगर आप चाहते हो हील के साथ तो वैसे भी आप पेयर अप कर सकते हो. बट दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस वेरी क्यूट. ओके सो यस. इसके बाद जो ड्रेस है या कुछ इस तरह की है. Now this can also be worn as a kurta. ठीक है. Wow. So यहाँ पर आप model picture देख रहे हो लेकिन इसे आप कुर्ती की तरह भी pair up कर सकते हो. So इस outfit का जो fabric है मैं आपको बता रही हूँ सारे outfits में से best लगा मुझे इसका fabric. मतलब इतना super soft fabric है इसका. This is definitely rayon but एक next level है इस fabric में. It is super soft. Definitely I'll you know recommend this for summer. Summers के लिए जो light fabric चाहिए होता है वैसा ही है. और see through भी नहीं है. It is not transparent. और अगर आपको इसे dress की तरह पहनना है dress की तरह पहन लो. अगर आप चाहते हो आप इसे कुर्ती की तरह पहनना चाहते हो just wear bottom with this. कोई problem नहीं है. दोनों तरह से आप इसको style कर सकते हो. Model image जो दी है उसमें उसने dress की तरह पहना हुआ है. But यू कैन वेयर इट एनी विच वेज जैसे भी आपको चाहिए. मैं शायद से आपको बॉटम के साथ भी दिखा दूंगी. तो अगर आपको उस तरह से इसे स्टाइल करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो. एंड लुक एट दिस. इट इज़ हैविंग अ ब्यूटिफुल प्रिंट. ब्लू बेस है. इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है. 3/4 स्लीव्स है. ओके वाओ. सो इट इज़ गुड. और इस तरह से इसका स्टाइल है. यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड जो है ना इस तरह से बेल्ट का लुक दिया हुआ है. ठीक है. दिस इज़ एम्ब्रॉयडर्ड और शॉर्ट ड्रेस है. नीज़ के नीचे तक आ जाएगा. सो इट इज़ कंफर्टेबल. इवन बैक साइड से भी इस तरह से इसका लुक है. पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है बट इट इज़ ओके. जस्ट गेट जस्ट यू नो वेयर अ स्लिंग विद दिस. आई मीन कैरी अ स्लिंग विद दिस. और ये भी जो है अगर आप ड्रेस की तरह पहन रहे हो तो शूज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप इसे कुर्ती की तरह पहन रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो आई लव दिस वन. फैब्रिक इज़ सुपर सॉफ्ट. गेट दिस. और इसके बाद जो आउटफिट है. नाउ दिस इज़ ऑल्सो इन साइज स्मॉल. इसका जो फैब्रिक है ना दिस इज़ लिटिल डिफरेंट. जैसे कि कॉटन प्लस पॉलिएस्टर वैसा फैब्रिक नहीं होता वैसा वाला मटेरियल है इसका. सो इसलिए बट मुझे ना एक चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी. इसका प्रिंट और इसका स्टाइल बहुत अच्छा है. इट इज़ गुड फॉर समर्स. ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो आउटफिट है ये समर्स में कंफर्टेबल नहीं होते हैं. दिस फैब्रिक इज़ रियली गुड. और मतलब श्रिंक नहीं होते हैं इस तरह के फैब्रिक. सो लुक एट दिस. दिस इज़ स्लीवलेस. और यहाँ पे जो बटन दिए हुए हैं नाउ दिस आर अगेन ओपनेबल. सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं. और प्रिंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और इसे आप इस तरह से स्टाइल कर लो ड्रेस की तरह. अगर आप चाहते हो इसे कुर्ती की तरह स्टाइल करना वो भी आप कर सकते हो. इवन वेयर अ बेल्ट विद दिस इन केस यू आर वेयरिंग इट एज अ ड्रेस. और ऑब्वियसली ये शूज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा. सो यस. पॉकेट भी प्रोवाइडेड है. ओ माई गॉड वाओ. मुझे जब भी मैं ड्रेसेस में पॉकेट देखती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें कैरी करनी होती है. और फ़ोन मतलब बहुत बार फ़ोन आता है आपको कुछ यू नो मैसेजेस पढ़ने हैं एंड देन अगेन यू हैव टू पुट इट इन स्लिंग. उससे बेटर है कि आप पॉकेट में रख लो. दैट इज़ मोर कन्वीनियंट. और बैक साइड से भी इस तरह का प्रिंट आपको मिल जाता है. प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. जो इसका मरूनिश कलर है इसमें एक और रेड टोन भी आप देख सकते हो. और दिस प्रिंट वाओ. सो डेफिनेटली आप ये ड्रेस बिल्कुल भी मत मिस करना. हाईली रिकमेंडेड. ओके सो इसके बाद जो ड्रेस है. ओके
सो इस ड्रेस को मैंने स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे मिल गया है मीडियम. सो आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू लुक ऑन मी. शायद से बहुत ही लूज़ दिखेगा मुझ पर, ठीक है. बट ये कुछ इस तरह से है. ये जो वर्क है ना, ये इसको ध्यान में रखकर मैंने इसे ऑर्डर किया. आई थॉट लेट मी ऑर्डर दिस, लेट मी सी के किस तरह से इसका लुक है. बट डेफिनेटली वाव. सो ये जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन मटेरियल है. और अगेन लेट मी क्लियर, आप इसे कुर्ती की तरह भी पहन सकते हो, इसका स्टाइल वैसे भी है. और ये जो लुक है ना, ये पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है और फॉल्स मिरर वर्क किया गया है इस पर, ठीक है. और इस तरह से 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है. वाव. और शॉर्ट ड्रेस है ये. सो मैं इसे ना दोनों तरह से स्टाइल करके दिखाऊंगी, इवन ड्रेस की तरह भी और कुर्ती की तरह भी. अगर मैं कह रही हूँ ना, तो उसका मतलब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हो. आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके. सो आई लव दिस एज अ ड्रेस. प्योर कॉटन मटेरियल है इसका. एंड लुक एट द प्रिंट, ओके. ये थोड़ा सा ना एप्पल कट जैसा लुक दिया हुआ है. और इस तरह से डोरी भी दी गई है फ्रंट में. लुक एट दिस टैसल्स, वाओ. बैक साइड से इस तरह से प्रिंटेड लुक है. सो यस. सो मुझे सारे के सारे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आए. एंड आई विल रेकमेंड कि अगर आपको कोई भी ड्रेस बाय करनी है इसमें से, कुर्तीज़ ड्रेसेस, आप डेफिनेटली करना. मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डोंट मिस. जो भी पसंद आ रहा है जस्ट गेट इट, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीज़ें, फिर आपको नहीं मिलती और सेल पीरियड में डेफिनेटली होंगी. सो मेक श्योर यू गेट इट. सो कैसा लगा आपको वीडियो आज का, मुझे मतलब पता चलना चाहिए. सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और लाइक कर देना इस वीडियो को. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, इट इज़ टोटली फ्री. सो डू इट. सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.